दोस्तों हमारे साथ मौजूद है इंदौर बेस्ट क्लब के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक कर्दम जी और कोषाध्यक्ष संजय त्रिपाठी जी। जैसा कि आपने पुराने चित्रों में देखा कि ये जब भोजन के पैकेट वितरण होते थे दोनों मदद कर रहे थे। हम शुरुआत संजय त्रिपाठी जी से करते हैं। संजय जी, इंदौर प्रेस क्लब का ये उपक्रम चल रहा है पिछले 2-3 दिनों से, शहर के पत्रकार साथी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और भोजन पैकेट भी जरूरतमंद को दे रहे हैं, आप इसको किस तरह लेते हैं? पत्रकार हमारे पत्रकार साथी पत्रकारिता के साथ साथ सामाजिक कारोबार का काम भी कर रहे हैं। इंदौर प्रेस क्लब जो है ना, अरविंद तिवारी जी के नेतृत्व में और उपाध्यक्ष दीपक कर्दम जी के नेतृत्व में ये पूरे भोजन के पैकेट वितरण कर रहा है अपने पत्रकार साथियों को, और उनसे यह आग्रह किया है खासकर कि ये वितरण ये भोजन के पैकेट उन लोगों को तक पहुँचाएँ जो वास्तव में इसका हकदार। सही दीपक जी, ये इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं लेकिन आज हम हमारे दर्शकों को विशेष रूप से आपको बताना चाहेंगे कि ये जो स्वस्थ परंपरा इंदौर प्रेस क्लब में शुरू करी, इसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा पत्रकार साथी जो यहाँ आते हैं, आप उनको क्या क्या सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं? देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे, आज इंदौर का पत्रकार समुदाय भी अपने आप में कहीं ना कहीं गर्व महसूस कर रहा है। इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष श्री अरविंद तिवारी जी की एक मंशा थी कि पत्रकार इंदौर के जो प्रेस क्लब के सदस्य हैं वो पत्रकारिता के साथ एक सामाजिक सरोकार भी निभाएं जी। इसमें जो है उज्जैन सेवा समिति के घनश्याम पटेल जी का भी सहयोग है जी, और सभी के सामूहिक सहयोग के बाद इंदौर प्रेस क्लब की जो पत्रकार साथी हैं, रोज पत्रकार जो शाम के समय कार्य खत्म हो जाता है, 10 पैकेट भोजन के दिए जाते हैं जी, कि जो अपने घर जाते समय लोगों को दे, रास आए लोगों को भोजन दिया जाए। तो पत्रकारिता के साथ में एक सामाजिक सरोकार निभा रहे हैं कहीं ना कहीं, और ये देश का पूरा जो है पहला इंदौर प्रेस क्लब है जहाँ पर पत्रकार कोरोना जैसा वायरस है उसी विपरीत परिस्थिति में काम करने के साथ सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। चलिए, वे वाकई इंदौर की खासियत होते हैं कि इंदौर में जो भी काम होता है दिल से होता है, और इंदौर वाले खासियत रही है कि हमेशा देश के साथ में रहें, मुसीबत आती साथ होते हैं। दीपक कर्दम जी और संजय त्रिपाठी जी, आप दोनों का धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं इंदौर प्रेस क्लब सरकार की मुहिम लगातार चलाते रहेगा। धन्यवाद।